टू द चैनल। वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कंप्लीट वर्कआउट एंड दैट इज फॉर बॉडी रिकॉम्पोजिशन। मतलब क्या है, यू विल बिल्ड मसल एंड लूज फैट एट द सेम टाइम। ये बहुत अच्छा टेस्ट करता है और बहुत कम कैलोरीज है एंड आई एम गोना शो यू द रेसिपी, सो स्टे ट्यून्ड। प्रीवियस वीडियो आई आस्क्ड यू कि आपको कंप्लीट वर्कआउट चाहिए या डे बाई डे वर्कआउट चाहिए। मेजॉरिटी ने बोला कि यू वॉन्ट अ कंप्लीट वर्कआउट। आई एम हियर विद अ कंप्लीट वर्कआउट फॉर यू गाइज। उसके पहले आई वुड लाइक टू टेल यू थ्री थिंग्स। वर्कआउट प्लान तो आपको सब जगह मिल जाएगा गाइज, लेकिन दीज थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसको जानना और इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस यू नो दिस देन यू कैन गो टू द वर्कआउट प्लान। Three things which will change your workout routine and definitely build lean muscle mass. Yes. So going ahead, the first thing, jabhi bhi aapko muscle build karna hai aur fat loss karna hai, important thing ye hai, aapko progressively overload karna hai. When I talk about progressively overloading, basic funda ye hai ki aapko every week aap jo weights utha rahe ho na, उसको बढ़ाना है। यस, ओनली देन यू विल प्रोग्रेस। आपको आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाना है, सो मेक श्योर यू प्रोग्रेसिवली ओवरलोड एवरी वीक। सेकेंड थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत लोग अपनी कैलोरीज ट्रैक करते हैं, न्यूट्रिशन ट्रैक करते हैं, मैक्रोस ट्रैक करते हैं, लेकिन दे डोंट ट्रैक देयर वर्कआउट। प्लीज ट्रैक योर वर्कआउट। को बस इतना करना है, जब भी आप वर्कआउट प्लान को फॉलो कर रहे हो या वर्कआउट कर रहे हो, आपको जो वेट्स आप उठा रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल आप डेडलिफ्ट कर रहे हो, डेडलिफ्ट को ट्रैक करो, अपनी वेट्स को ट्रैक करो, सो दैट यू कैन ट्रैक योर प्रोग्रेस। यू कैन आइदर यूज योर फोन में नोट्स में आप ट्रैक कर सकते हो। सेकेंड, बुक और पेन लेके जाओ एंड ट्रैक योर वेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नेसेसरी दैट यू कैन प्रोग्रेस एवरी वीक। थर्ड थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, कॉन्सेंट्रेट ऑन द ईसेंट्रिक। व्हेन आई टॉक अबाउट ईसेंट्रिक, नेगेटिव पे कॉन्सेंट्रेट करो। यस, यू हैव टू लिफ्ट हैवी, बट देन ऑल्सो कॉन्सेंट्रेट ऑन द ईसेंट्रिक। ईसेंट्रिक मतलब ये है कि मान लो आप बाइसेप कर्ल्स कर रहे हो, ठीक है, व्हेन यू कम डाउन मेक श्योर इट इज स्लो एंड कंट्रोल्ड, सो दैट आपकी माइंड मसल कनेक्शन जनरेट हो। यस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग, प्रोग्रेसिवली ओवरलोडिंग। सेकेंड थिंग, आपको वर्कआउट ट्रैक करना है। एंड थर्ड, फाइनल एंड इंपॉर्टेंट थिंग, कॉन्सेंट्रेट ऑन द ईसेंट्रिक। इफ यू मास्टर दीज थ्री थिंग्स, डेफिनेटली आप प्रोग्रेस करोगे और आप लीन मसल पुट ऑन करोगे। यस, बॉडी फैट कम करना तो न्यूट्रिशन के ऊपर है। ही बात आता है कार्डियो के बारे में, कार्डियो करना है गाइस। इफ यू ट्रैक योर कैलोरीज प्रॉपरली, कार्डियो नेसेसरी नहीं है, बट लेकिन अगर आपकी एपेटाइट ज्यादा है, यू आर ईटिंग लिटिल मोर देन योर मेंटेनेंस और एट अराउंड मेंटेनेंस, टू गो इन अ स्लाइट डेफिसिट, आप कार्डियो कर सकते हो। आप अराउंड 200 टू 300 कैलोरीज बर्न कर सकते हो। आई पर्सनली प्रिफर लो इंटेंसिटी कार्डियो। अगर आपको HIIT चाहिए तो फॉलो कर सकते हो। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हियर इज योर कंप्लीट पुश पुल लेग्स वर्कआउट टू बिल्ड मसल एंड लूज फैट साइमल्टेनियसली। मेरा सजेशन ये रहेगा, ये वीडियो को डाउनलोड करो एंड सी ऑल द वर्कआउट्स एंड मेक श्योर यू ट्रैक इट। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, एक बोनस है इस वीडियो में, वर्कआउट के बाद में एक अमेजिंग रेसिपी दिखाने वाला हूँ, सुपर लो इन कैलोरीज। यस, इट इज गोइंग टू बी अ रोल। किसको रोल खाना पसंद नहीं है बताओ, सो स्टे ट्यून फॉर द वीडियो एंड ऑल्सो द रेसिपी। दोस्तों एक और चीज, फुल वर्कआउट प्लान तो इधर मिल गया, अगर आप लोग को कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ रोज वर्कआउट चाहिए विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, डू कमेंट एंड लेट मी नो, डेफिनेटली आई विल डू दैट। बहुत बोल लिया, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हियर इज योर वर्कआउट। हियर वी गो विद आवर पुल वर्कआउट। फर्स्ट एक्सरसाइज इज डेडलिफ्ट्स। यस, व्हिच टारगेट्स योर ओवरऑल बैक एंड कोर। इट्स अ कंपाउंड लिफ्ट, टारगेट्स मोर देन 3 मसल ग्रुप। सो एज मेंशन, फॉलो द रेप्स एंड सेट्स अकॉर्डिंगली। Make sure your form is right and you concentrate on mind-muscle connection. This is a complete hypertrophy-based workout and make sure you track your weights and progressively overload every week. Exercise number 2 is lat pulldowns. Yes, wide grip lat pulldowns, which targets your lats. Important thing is that you need to contract your muscle. Yes, either be mind-muscle connection bahut important hai, all the way up and all the way down, slow and steady,
make sure your form is exactly executed. Exercise number 3 for your back, the second vertical pull, close grip lat pull down, again targeting your lats with a different angle. Same goes here, track your weights progressively, overload every week, make sure your form is right so that you can feel your lats whenever you pull the weight and slowly let it go. Yes, two vertical movements are done. Next we move on to horizontal movements. First horizontal movement is close grip rows. It targets your middle back and also lower lats. Even here, full range of motion is very important. Consider you are hitting someone with your elbows. हाँ, आपके elbows use करके मान लो आप किसी को मार रहे हो आपके पीछे. Yes, this will help you generate a very good mind muscle connection. Accordingly, weights भी choose करना. Make sure your form is exactly right. Going ahead, second horizontal movement is wide grip rows. You can use cables or also you can use any other machine. This targets your middle back, and even here, make sure you're imagining that or you're feeling it as if you are hitting someone with your elbows. This will again help you bring in a very good mind muscle connection. Slow and steady, and make sure you track your weights and get stronger. Moving on to bicep workout. Very important exercise, bicep curls. Everyone loves this workout, but a twist is that you need to perform drop sets. For example, say you're taking 15 kgs and then you have to drop it to 12.5 and 10. Perform triple drop set with controlled form. Yes. Next exercise, one more important bicep exercise, preacher curls. You can use any machine or free weights or even cables. I prefer machine and cables because it keeps constant tension on my biceps. Always concentrate on the eccentric. Yes, slow and steady, and you are good to go. Here is our complete pull workout. Here we start off with our leg workouts. Don't skip your leg days. First exercise is again a compound lift squats. Make sure you go deep and then come up. And again, squeeze your glutes on top. This targets your quads, your hamstrings, your overall lower body and also core. And one more important thing, don't do half reps. It's okay if your weight is less, but make sure there is full range of motion. Squats are one of the best exercises for your lower body. In case you have an injury and you can't perform this, you can start off with leg press, no problem. But make sure you include squats so that you know you build your lower body. Again, perform it accordingly, reps and sets, and track your weights. Next exercise, as I told you, leg press. This also targets your hams and quads. Yes, 3 sets of 15 reps. Every set, make sure you increase the weight and track the weight so that every week you can progressively overload and get stronger. Even here, I have seen people performing half reps. Please don't do that. Full range of motion is very important. It's okay if your weights are less, but make sure full range of motion is achieved. Only then you will be able to stimulate your muscle. Next, moving on, hamstring curls. Yes, here we are only performing one hamstring movement, core hamstring movement. That is why we are performing 5 sets of 12 reps. Increase weight every set and make sure you track it. Make sure it is slow and controlled. Next, leg extension. Yes, one of the most important isolation movement for your legs. 3 sets of 20 reps, considerably high rep range because I like to feel my quads. Yes, it gives that constant tension and it also helps in building your quads. Make sure you perform it slow and steady. Again, full range of motion. Next exercise, calf builder. Yes, there are a lot of people who skip calves. Even I was one of them, but recently I've started 4 sets, 15 reps. Again, drop set, triple drop. I lower my weight every set. Yes. 4 into 3, that is around 12 sets if you consider the drop sets. Slow and steady. Mind muscle connection is very important. That's it for our complete leg workout. Here we go with our push workout. Chest, shoulder and triceps. Major movement here, bench press. 4 sets of 10 repetitions. Make sure your form is right.
Your core is tight, brace and push the weight. You need to add in weights every set and progressively overload. Again, a reminder, track your weights so that you can progressively overload every week and get stronger. You can also use Smith machine, but I would prefer free weights for bench press. Next exercise is incline dumbbell press, targeting your upper chest. I prioritize my upper chest because I feel it gives me an aesthetic look. That is why the volume is higher, 5 sets of 12 repetitions. Slow and steady, targeting your upper chest, and also you can perform unilateral movements if you feel your particular chest is smaller than the other. It is based on your preferences. Yes, going ahead, first isolation exercise is high to low cable flies, targeting your lower chest. आपको ध्यान में रखना है, एसेंट्रिक स्लोली पीछे लेके जाना है और आगे पूरा स्क्वीज करना है. यस, ओनली देन द माइंड मसल कनेक्शन विल बी क्रिएटेड. अगेन, ट्रैक योर वेट्स, फॉलो द रेपिटेशंस. नेक्स्ट एक्सरसाइज, लो टू हाई केबल फ्लाइज, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज टू बिल्ड योर अपर चेस्ट, माई फेवरेट. इसलिए मैं वॉल्यूम ज़्यादा करता हूँ, 5 सेट लगाता हूँ. सुपर्ब एक्सरसाइज, डू इंक्लूड इट इन योर ट्रेनिंग. Slow and steady, squeeze your chest on top. Next, we move on to shoulders. Shoulder press, dumbbell shoulder press. आप barbell भी use कर सकते हो. मैं dumbbell use कर रहा हूँ. 4 set, 15 repetitions. Again, you have to increase the weight every set and track your weights. Next, my favorite shoulder exercise, that is lateral raises. 5 set लगाता हूँ, 15 reps का. Yes, this is the builder for your delts. Yes. राउंड लुकिंग डेल्स चाहिए तो ये एक्सरसाइज ज़रूर इंक्लूड करना. 5 sets. नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट रेयर डेल्स, मेनी पीपल मिस ऑन ट्रेनिंग रेयर डेल्स. ओनली दिस विल गिव यू दैट 3D लुक ऑन योर शोल्डर, सो मेक श्योर यू एड इन दिस टू योर ट्रेनिंग. स्लो एंड स्टडी. फाइनल एक्सरसाइज ऑफ आर पुश वर्कआउट, ट्राइसेप पुश डाउन. यस, 5 sets, 15 reps. एट टाइम्स आई गो अंटिल फेलियर. I am doing only one exercise because shoulder press or bench press se already triceps train hua hai and this is more than enough. Make sure you follow the workout, track your weights and progressively overload. And guys, make sure you prioritize your deltoids. आप देख सकते हो मेरा डेल्टॉइड्स, राइट? सो दैट इज वॉट विल गिव यू एन एस्थेटिक लुक, शोल्डर टू वेस्ट रेशियो. Yes, and guys, अगर आपको बॉडी रिकॉम्पोजिशन का कंप्लीट डायट चाहिए, फुल डे ऑफ ईटिंग चाहिए, मैंने बहुत वीडियोस पोस्ट किया है. इसके पहले आई हैव पोस्टेड फुल डे ऑफ ईटिंग वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन. सुपर अमेजिंग रेसिपीज है, डू गो चेक इट आउट. अगर आपको वीडियो पसंद आएगा, इफ यू रियली लाइक द कंटेंट, डू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना यार. मोटिवेट्स मी अ लॉट एंड आई विल बी अपलोडिंग रेगुलर वीडियोस. यस, इज द सुपर लो कैलोरी रोल और रैप. यस, ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा टेस्ट करता है और बहुत कम कैलोरीज है. एंड आई एम गोना शो यू द रेसिपी, सो स्टे ट्यून्ड. आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, एज आई टोल्ड यू, अगर एवरीडे वर्कआउट चाहिए तो कमेंट करके बता दो. बहुत सारा प्यार मेरे तरफ से. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन, take care. हियर इज द रेसिपी गाइस. एक पैन में कैप्सिकम और कैरेट और नमक डाल के अच्छे से रोस्ट कर लो. उसके बाद ले लो राइस पेपर, दिस इज द बेस, सुपर लो इन कैलोरीज. एक्चुअली टेक अ बाउल ऑफ वार्म वाटर. ओके, वार्म वाटर लेना है आप लोग को. उसके बाद इसको डालना है ऐसे पानी में, बस 2 to 3 seconds. ओके, डन, निकाल लो. लुक्स गाइस, यस, ऐसे रखना है एंड देन यू हैव टू ऐड लेटस टू इट. रोस्ट करके रखा था, वेजिटेबल्स डाल दो प्रोटीन के लिए, चिकन. उसके ऊपर थोड़ा सा लो फैट मेयो डाल दो.